जितनी भी पॉपुलर गाड़ियां हैं ज्यादा डिमांड में रहती हैं, उन गाड़ियों में कोई ना कोई वेटिंग पीरियड चल ही रहा होता है। जब हम किसी गाड़ी की बुकिंग करते हैं, बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक के बीच का जो टाइम डिफरेंस होता है, उस दौरान अक्सर ऐसा होता है कि हम ऐसी किसी गाड़ी के लॉन्च होने की खबर सुन लेते हैं कि भाई हमारे मन में एक डाउट पैदा हो जाता है कि यार ये गाड़ी हम लें या फिर जो नई गाड़ी लॉन्च होने वाली है उसका इंतज़ार करें। अब यहाँ पर तो डाउट और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जिन लोगों ने स्कॉर्पियो एन को बुक करा रखा था और अपनी डिलीवरी का इंतज़ार कर रहे थे, उस इंतज़ार के दौरान ही महिंद्रा ने थार रॉक्स को लॉन्च कर दिया है, वो भी इतने अच्छे पैकेज के साथ में। तो लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि यार स्कॉर्पियो एन लें या फिर अब थार रॉक्स ली जाए। बस इसी कन्फ्यूजन को दूर करने की इस वीडियो में कोशिश की जाने वाली है। बाकी कई सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि अब स्कॉर्पियो ली जाए या फिर थार ली जाए, रिप्लाई जरूर करना। तो भाई रिप्लाई नहीं, पूरा वीडियो लो। तो क्या यार बिल्कुल सीधी और भारी बात करूँ ना, तो अगर इन दोनों गाड़ियों को अगर सामने खड़ा कर दिया जाए या फिर आप बैठे बैठे आँख बंद करके इन दोनों गाड़ियों को इमेजिन करो, तो ज़्यादातर लोगों का मन करेगा एक बार में थार रॉक्स खरीदने का। लेकिन मन का क्या है, आज गली नंबर 2 में घूमने का मन है तो कल गली नंबर 3 में घूमने का मन होगा, समझ रहे हो ना। तो अब मन नहीं दिमाग की बात कर लेते हैं, इन दोनों गाड़ियों के वेरिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। दोनों गाड़ियों के बेस वेरिएंट उठाते हैं अपन डीजल इंजन में, पेट्रोल में इन दोनों गाड़ियों की बिक्री बहुत कम होती है, अपन डीजल की बात करेंगे। स्कॉर्पियो का जो Z2 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन है 7 सीटर में, उसको हम कंपेयर करते हैं रॉक्स के बेस वेरिएंट MX1 डीजल मैनुअल से। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लंबी लिस्ट है फीचर्स की जो थार रॉक्स में मिल जा रहे हैं लेकिन स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट में नहीं मिल पा रहे। 18 इंच के टायर्स मिल जाते हैं रॉक्स में, जबकि 1 इंच छोटा टायर दिया गया स्कॉर्पियो एन में। इसके अलावा सेफ्टी में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं रॉक्स में स्टैंडर्ड, जबकि स्कॉर्पियो में 12 एयरबैग्स दिए गए हैं। ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन, ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल जैसे फीचर्स तो स्कॉर्पियो एन में है ही नहीं, ये सब रॉक्स में मिल रहा है आपको। इसके अलावा कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट बटन, ड्राइवर आर्मरेस्ट, सनग्लास होल्डर, LED प्रोजेक्टर, हेडलैम्प रॉक्स के बेस में मिल जा रहे हैं, जबकि स्कॉर्पियो में हेलोजन हेडलैम्प दिए गए हैं। रॉक्स में आपको 10.25 इंच की बड़ी टच स्क्रीन मिल जा रही है, जबकि इसमें 8 इंच की छोटी दी गई है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसा फीचर भी आपको बेस वेरिएंट में मिल जा रहा है। ये सब कुछ आपको थार रॉक्स में मिल रहा है, उसके बाद भी थार रॉक्स का बेस वेरिएंट स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट से सस्ता है। इसके अलावा एक और बात बताऊं मैं आपको कि स्कॉर्पियो एन का जो बेस वेरिएंट है Z2, इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल रोल कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल एज अ ऑप्शनल मिलते हैं। अगर आपको ये तीनों सेफ्टी फीचर चाहिए तो आपको 60,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इस वेरिएंट को हटाते हैं, इसके ऊपर वाले वेरिएंट पर चलते हैं। थार का MX3 वेरिएंट है डीजल मैनुअल में, उसको कंपेयर करते हैं स्कॉर्पियो एन के Z4 वेरिएंट से। पर भी आप देख सकते हो कि रॉक्स स्कॉर्पियो एन से सस्ती मिल रही है, उसके बावजूद भी उसमें दुनिया भर के ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं। इससे और ऊपर वाले वेरिएंट को भी हम कंपेयर कर लेते हैं, जिसमें रॉक्स का AX3 लग्जरी डीजल मैनुअल हम कंपेयर करते हैं स्कॉर्पियो एन के Z6 डीजल मैनुअल से। यहाँ पर तो भाई ये डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ गया है, प्राइसिंग का डिफरेंस कम हो गया है, लगभग सिमिलर प्राइसेस में आपको ये दोनों गाड़ी मिल जा रही हैं, लेकिन रॉक्स में एडास जैसा सेफ्टी फीचर दिया गया है दुनिया भर के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ में। और सिर्फ बात सेफ्टी की नहीं है, कंफर्ट के फीचर्स भी दुनिया भर के भरे पड़े हैं इसमें AX3 लग्जरी में। और किसी कारण से अगर आप रॉक्स का AX3 लग्जरी नहीं लेना चाहते हो, एडास नहीं चाहिए आपको, तो आपको MX5 मिल जाता है रॉक्स में उसी प्राइसेस में, जिसमें और अलग तरीके के फीचर्स ज़्यादा दिए गए हैं स्कॉर्पियो एन के मुकाबले। इसी तरह से आप कोई भी वेरिएंट उठा के सिमिलर प्राइसिंग का कंपेयर करके देख लो, रॉक्स आपको कम पैसों में ज़्यादा फीचर्स दे रही होगी। अगर मैं टॉप वेरिएंट कंपेयर करूँ ना, तो स्कॉर्पियो एन का टॉप वेरिएंट 2 से 2.5 लाख रुपये महंगा मिलता है रॉक्स के टॉप वेरिएंट से, जबकि रॉक्स में ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं और ये दोनों ही गाड़ियाँ एक ही कंपनी की हैं। अभी तक आप लोगों को जो बात समझ में आई होगी वो ये है कि भाई रॉक्स दिखने में भी अच्छी है, रोड प्रेजेंस भी इसकी तगड़ी है, फीचर्स भी इसमें ज़्यादा मिल रहे हैं और सस्ती भी है, तो सिंपल है रॉक्स खरीदना है, स्कॉर्पियो एन को इग्नोर करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम भूल रहे हैं कि ये दोनों ही गाड़ियाँ एक ही कंपनी की हैं और कोई भी कंपनी इस तरह की गलती करना पसंद नहीं करेगी कि भाई उसकी किसी एक गाड़ी के चक्कर में उसी कंपनी की कोई दूसरी गाड़ी की बिक्री कम हो जाए। जो आज हम वीडियो बनाकर इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन खेल रहे हैं और सही गलत की बातें कर रहे हैं, भाई इसके ऊपर महिंद्रा ने दुनिया भर की रिसर्च एक टीम बनाई होगी सेपरेट, पूरा एनालाइज करने के बाद में थार रॉक्स को लॉन्च किया गया होगा इस पैकेज में। उन्हें पहले से ही सब पता है, जो आज हमें पता है वो उन्हें महीनों पहले से पता था। अपन अपने वीडियो पर आते हैं और सीधी और भारी बात कर लेते हैं। तो भाई देखिए, स्कॉर्पियो को ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनाया गया, इस गाड़ी को फैमिली के लिए बनाया गया है और ऑफ रोडिंग का टच दिया गया है। मेरा मतलब है कि ये एक ऐसी गाड़ी है जो शौकिया ऑफ रोडिंग करने वालों के लिए, या फिर उनकी मजबूरी है ऑफ रोडिंग करना क्योंकि उनका घर, गांव या जिस जगह पर बार बार आना जाना पड़ता है वहाँ पर सड़क नहीं है, गड्ढे ज़्यादा हैं, तो उनके लिए स्कॉर्पियो परफेक्ट है।
फैमिली और ऑफ रोडिंग दोनों ही ये गाड़ी संभाल सकती है। वहीं अगर हम थार रॉक्स के बारे में बात करें तो इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग के लिए बनाया गया है और फैमिली का टच देने की कोशिश की गई है, मतलब कि एक ऐसी गाड़ी एक ऐसे बंदे के लिए जो कोर ऑफ रोडिंग करना चाहता है और कभी कभी उसे फैमिली बाजी या फिर लौंडेबाजी मतलब कि लड़कों यारों के साथ में लंबी ट्रिप पर जाना भी पसंद है, उसके लिए थार बेस्ट है। यही वजह है कि महिंद्रा ने जानकर थार के कैबिन को प्रैक्टिकल नहीं बनाया जबकि स्कॉर्पियो एन के कैबिन को सुपर प्रैक्टिकल बना रखा है। प्रैक्टिकल से मेरा यहाँ ये मतलब है कि थार रॉक्स के अंदर आप एक लीटर की पानी की बोतल भी कहीं रख नहीं सकते। स्टोरेज स्पेस के नाम पे आपको एक सामने ग्लव बॉक्स दिया गया है, आगे के जो डोर्स हैं वहाँ पर आप छोटी लगभग आधे लीटर की पानी की बोतल रख सकते हो। पीछे जो स्टोरेज दिया गया है वो किसी काम का किसी मतलब का नहीं है। अगर आप सीट के पीछे भी फंसा लेते हो पानी की बोतलें तो आपका लेग रूम कम हो जाएगा और उतना लेग रूम रॉक्स में नहीं दिया गया है कि पानी की बोतलें भी फंस जाएं और आप वहाँ पर आराम से बैठ भी जाओ। इसके अलावा रॉक्स की सीट्स को जानकर उतना कंफर्टेबल नहीं बनाया गया जितना एक फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी की बनाई जाती हैं। आमतौर पर जब महिंद्रा की ही दूसरी गाड़ी में इतनी कंफर्टेबल सीट्स मिल रही हैं मतलब कि स्कॉर्पियो एन में, इसका मतलब यह है कि महिंद्रा कंफर्टेबल सीट्स बनाना जानता तो है, तो फिर रॉक्स में दी क्यों नहीं। ये जानकर इस तरह की कमियां छोड़ी जाती हैं ताकि गाड़ियों में डिफरेंस बना रहे और जिस पर्सपेक्टिव के लिए वो गाड़ी को बनाया गया है वो पर्सपेक्टिव से हम ज़्यादा दूर ना रहें। रॉक्स इस तरह की गाड़ी है कि अगर आप एक सिंगल बंदे हो और अपने दोस्तों यारों के साथ कहीं घूमना चाहते हो, लेह लद्दाख जाना चाहते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब एक तो लौंडों को फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप पीछे वाली सीट उखाड़ के वहाँ पर पटिया भी लगा दोगे ना तब भी लड़के मुस्कुराते हुए पूरे लेह लद्दाख घूमे आएंगे और एक बार भी कंप्लेंट नहीं करेंगे। लेकिन यहीं अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। फैमिली आपकी स्कॉर्पियो एन में ज़्यादा खुश रहेगी, अंदर बाहर बैठने में भी आराम रहेगा। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो स्कॉर्पियो एन में आराम से अंदर बैठ सकता है और बाहर निकल सकता है। वहीं अगर आप रॉक्स में बैठाने की कोशिश करोगे तो वो आपके जो भी बुजुर्ग हैं बैठते टाइम मन में गाली देंगे, उतरते टाइम देंगे वो अलग। आमतौर पर फैमिलियों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बच्चों की वजह से बड़े बड़े सूटकेस लेके चलना पड़ता है अगर कहीं आप दो दिन के लिए भी जा रहे हो तब भी। इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए भी स्कॉर्पियो एन बेटर है। थार रॉक्स में आप इतने बड़े बड़े सूटकेस नहीं रख सकते। हाँ, एक बात जरूर है कि रॉक्स लेटेस्ट प्रोडक्ट है महिंद्रा का, इसलिए उन्हें कुछ नया ट्राई करना होगा, नई टेक्नोलॉजी देनी होगी तो लेटेस्ट प्रोडक्ट में ही देंगे सबसे पहले। यही वजह है कि रॉक्स का कैबिन जो है वो स्कॉर्पियो एन से ज़्यादा साइलेंट है क्योंकि उसमें एकॉस्टिक विंडशील्ड जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जो महिंद्रा ने अपनी दूसरी गाड़ियों में अभी तक नहीं किया। चूंकि ये एक ऑफ रोडर है इसलिए इसमें सस्पेंशन अलग यूज़ किया गया है और इसके सस्पेंशन की वजह से आपको इस गाड़ी में बॉडी रोल भी कम मिल सकता है, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। चूंकि मैंने अभी तक इस गाड़ी को चलाया नहीं है तो इसमें बॉडी रोल कम है ज़्यादा है वो मैं प्रैक्टिकली नहीं कह सकता, लेकिन ऑन पेपर जो सस्पेंशन मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बॉडी रोल स्कॉर्पियो एन के तुलना में कम होगा और शायद ऐसा हो सकता है कि जो एक बम्पी इफेक्ट आता है स्कॉर्पियो किसी कोई भी स्कॉर्पियो ढालो आप एक बम्पी इफेक्ट आता है उसमें, वो आपको इस गाड़ी में शायद कम देखने को मिल सकता है। इस बात की कन्फर्मेशन मैं किसी ना किसी तरीके आपको अपडेट कर दूंगा जब इस गाड़ी को चलाऊंगा। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि अगर आपके दिमाग में फैमिली है, आप फैमिली के साथ अक्सर घूमते रहते हो, लंबे लंबे रूट्स पर जाते रहते हो, यूज़ होता रहता है आपकी गाड़ी का फैमिली पर्पस के लिए, तो रॉक्स मत लेना। और अगर आप वहीं लौंडे लपाटों के साथ ही अपना दिन बिताना चाहते हो, भाई लेह लद्दाख वगैरह हिमाचल वगैरह केरल वगैरह कहीं भी घूमना चाहते हो, अपने लौंडे चाहिए आपको तो भाई साहब आपके लिए रॉक्स बेस्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो कन्फ्यूज़न है मन वर्सेस दिमाग वाला वो शायद इस वीडियो के बाद कम या ख़त्म हो गया होगा। रही बात अगर कोई कन्फ्यूज़न बचा है या वेरियंट्स को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर तो आप कमेंट कर देना, पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। इस वीडियो में तो बस इतना ही, अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।